बुजुर्ग हमारे समाज के गौरव के प्रतीक होते हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं समाज को उनके परेशानियों के बारे में एहसास दिला सकूं। नवापड़ा जिला के कुमना ब्लॉक के देवधरा गांव में तीर्थ तानी नाम के एक 76 साल के बुजुर्ग को ओल्ड एज पेंशन नहीं मिल रहा है। उड़ीसा में मधुबाबू ओल्ड एज पेंशन स्कीम के तहत 60 साल के ऊपर के हर एक बुजुर्ग को, चाहे उनका नाम बिलो पॉवर्टी लाइन की लिस्ट में हो या ना हो, उनको हर महीने 300 रुपये का ओल्ड एज पेंशन मिलने का प्रावधान है। अपन का नाम तीर्थ तानी। अपन का बस 76। अपन पेंशन पाउछन नहीं पाबार आज्ञा। अपन का बीपीएल कार्ड अछे अछे। अपन का वोटर कार्ड अछे अछे। अपन दरखास्त करिसन पेंशन पाबार लागि करि देखले आ 15-16 थाका। आपणकर भोली आउ भी पेंशन नै पाबार लोक छन आपणकर गां रे अच्छा ना गया। तीर्थ तानी जी को अभी 76 साल हो रहा है। लगभग 16 साल पहले उनको पेंशन मिलना शुरू हो जाना चाहिए। हर महीने अगर 300 के हिसाब से अगर आप जोड़ते हैं तो उनको अभी तक के 57,600 रुपया मिलना चाहिए, जिसको पाने के वो हकदार होते हैं। लेकिन सोशल एक्सटेंशन ऑफिसर की लापरवाही की वजह से तीर्थ तानी समेत इस गांव के 10-12 बुजुर्गों को ओल्ड एज पेंशन नहीं मिल पाया है। मेरे भी पड़ोस में बुजुर्ग हैं और जिस दिन उनको ओल्ड एज पेंशन मिलता है उस दिन उनका उत्सुकता देखने लायक रहता है। इस वीडियो देख रहे सभी दर्शकों से मेरा ये निवेदन है कि आप सोशल एक्सटेंशन ऑफिसर श्रीमान दुर्योधन बीसी जी को दबाव डालें ताकि तीर्थ तानी जी को उनका पेंशन जल्द से जल्द मिल सके। मैं अभिषेक कुमार दास, गांव देवधरा, जिला नवापड़ा, उड़ीसा से, इंडिया अनहड़ के लिए।